नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है खास खबरें। सामान्य से कम होगी बारिश, बढ़ेगी महंगाई। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून सामान्य से कम रह सकता है। विभाग ने इसके लिए अल नीनो कारक को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कम वर्षा से पश्चिमोत्तर और मध्य भारत के हिस्सों पर सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है। इससे चावल, गन्ना, सोयाबीन और कपास का उत्पादन कम हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मानसून दीर्घकालिक औसत का 93% रहेगा, जो सामान्य से कम है। हालांकि उन्होंने यह कहने से इनकार कर दिया कि इस साल सूखे जैसी स्थिति होगी या नहीं। आप पार्टी के नेता आशुतोष ने दिया विवादास्पद बयान। आम आदमी पार्टी की किसान रैली के दौरान जंतर मंतर पर किसान गजेंद्र सिंह की आत्महत्या के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौतरफा आलोचना का सामना कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री के बचाव में पार्टी के नेता आशुतोष ने विवादास्पद बयान दे डाला। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगली बार अगर कोई ऐसा करेगा तो वे मुख्यमंत्री को पेड़ पर चढ़कर उसे बचाने को कहेंगे। हालांकि बाद में आशुतोष ने अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि वह हालात की घबराहट में निकला बयान था, हमसे हालात को समझने में भूल हुई। उधर राजस्थान के दौसा में किसान गजेंद्र का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसमें सभी दलों के कई नेता शामिल हुए हैं। भूमि अध्यादेश पर अन्ना ने मोदी को लिखा पत्र। विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में बदलाव किए जाने की मांग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा के संबंध में मोदी जी ने जो वादे किए थे, उन वादों को इसी महीने की शुरुआत में जारी नए अध्यादेश में भी पूरा नहीं किया गया है। हजारे ने कहा कि किसानों की जमीन निजी संगठनों और उद्योगपतियों को देकर किसानों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।